Okay, good morning everyone. Last class we were studying schedule 1, right? It was like even if without consideration it will be regarded as supply. So in that we had number one point was there were four cases जहाँ पे अगर consideration नहीं है फिर भी वो supply माना जाएगा. पहला केस था परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जिसमें आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड है या आपने अभी तक अवेल नहीं किया है, उसका ट्रांसफर विल नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई. सेकेंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स, रिलेटिव हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो, पार्टनर्स हो. अगर किसी बंदे का मोर देन 25% होल्डिंग है किसी दो कंपनी में, तो दोनों वो कंपनी रिलेटेड मानी जाएगी. डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मैंने बता दिया है. हैविंग डिफरेंट यूनिट्स एट डिफरेंट स्टेट विद डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, इवन इफ वन स्टेट डज नॉट सप्लाइंग नॉन टैक्सेबल, फिर भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे. तो इनके बीच में अगर कोई भी सप्लाई होगा तो दैट विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई. देन द थर्ड वन इज प्रिंसिपल एजेंट, जहाँ पे एजेंट अपना नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है या एजेंट गुड्स को रिसीव करके प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है. मतलब एजेंट इज टेकिंग एन ऑनर्स, इनवॉइस अगर एजेंट अपना नाम से इशू कर रहा है देन वो सप्लाई माना जाएगा, राइट? तो ये सब चीज़ एक बार आप लोग थोड़ा और डिटेल में जब गो थ्रू करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे. जस्ट रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द ग्रिप. तो यहाँ पे क्या था, हमने बात किया था एजेंट जो कस्टमर को इनवॉइस इशू कर रहा है वो अपने नाम पे कर रहा है, तब वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होगा. अगर मैं प्रोक्योरिंग एजेंट का काम कर रहा हूँ, मैं खाली गुड्स को अरेंज करके उसके नाम पे प्रिंसिपल के नाम पे बिलिंग करवा रहा हूँ, तो इन दैट केस वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है. यहाँ पर इनवॉइस, इफ एजेंट हैज़ अ अथॉरिटी राइट टू इशू इनवॉइस और ट्रांसफर टाइटल, तभी मैं एजेंट माना जाऊँगा. एंड सेकेंड है, अगर मैं गुड्स का प्रोक्योरिंग एजेंट हूँ तो इनवॉइस मैं गुड्स प्रिंसिपल के बिहाफ में प्रोक्योर किया हूँ, बट इनवॉइस मेरे नाम पे बना है. तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखे हैं, राइट? नाउ वी विल मूव अहेड. डीसीए भी सेम है. डीसीए का खाली एक एडेड एडवांटेज है, डीसीए का एक एडेड एडवांटेज है, डीसीए गारंटी कर देता है प्रिंसिपल को फॉर द पेमेंट अगर बायर फेल होगा. डीसीए और नॉर्मल एजेंट में फर्क खाली यही है, डीसीए गारंटीज द पेमेंट. टू द सप्लायर, राइट? वो बायर के साथ काफी सारा स्कीम्स भिड़ाएगा, वेरियस मेथड्स आर देयर. वो उसको मैंने सप्लायर को पैसे दे दिए, अब मैं तुमको मोहलत दे दूंगा एक महीना और, तो उसमें मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा, राइट? शॉर्ट टर्म लोन्स, उस पर इंटरेस्ट कमाऊंगा. तो उस टाइप का स्कीम रहता है. सो देयर इज अ प्रॉपर सर्कुलर कि इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन इन सब केसेस में सप्लाई माना जाएगा कि नहीं, तो ये उतना डिटेल में पढ़ने का दरकार नहीं है. कॉमन सा बात है, अगर मैं कस्टमर को इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा हूँ, एजेंट अपने नाम पे भी इशू कर रहा है, इफ़ आई हैव द राइट टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर देन आई एम प्रिंसिपल एजेंट, तो सप्लाई विल बी रिगार्डेड एज एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई, राइट? और नॉर्मल एजेंट में और डीसीए में खाली एक ही फर्क होता है, दैट मैं गारंटी कर देता हूँ प्रिंसिपल को कि यू विल गेट योर पेमेंट, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट बाय द बायर देन आई विल मेक द पेमेंट टू द प्रिंसिपल, राइट? एंड नॉर्मली इन फॉर दैट यू पे मी अ स्लाइटली हायर कमीशन. उसके लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, उसको डेल क्रेडर कमीशन भी बोलते हैं. अपने कंसाइनमेंट में देखे हैं, राइट? अब मैं वेरियस टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म मनी अरेंजमेंट्स में जा सकता हूँ बायर के साथ में, राइट? इंटरेस्ट वगैरह कमा सकता हूँ. तो इसमें एक सर्कुलर इशू किया गया था
कैन जस्ट रीड ओनली, दिस इज रीड ओनली मटेरियल, इतना डीपली आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेगा आपको। छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, देर आर थ्री पॉइंट्स राइट। तो देर आर फोर केसेज जो विदाउट कंसिडरेशन होने से परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजेबल बिजनेस हेड पे, जिसमें आई टी सी क्लेम कर चुके हैं हम, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एंड प्रिंसिपल एजेंट, यहाँ पे ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन होगा तो ही इस एम्बिट में आएगा। देन इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, राइट। मेरा बेटा बाहर इंटीरियर का काम कर रहा है, मैंने उनसे कोई कंसल्टेंसी लिया है या कोई सर्विस लिया है, कोई डिजाइनिंग मंगवाया है, राइट। तो दैट इज इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन, बट इट हैज टू बी इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस, रिमेंबर, तभी वो सप्लाई माना जाएगा। तो झुमरू एसोसिएट्स रिसीव लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया, राइट। तो इसका मतलब बेसिकली मैं ब्रांच हो गया, मेरा हेड ऑफिस मलेशिया में है, तो हेड ऑफिस से मैंने सर्विस लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सप्लाई माना जाएगा बिकॉज इट इज इन द रिलेशन ऑफ बिजनेस, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन बट रिलेटेड टू बिजनेस। राइट, देन वी हैव चकमक, अ प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज सॉट आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएस, तो रिलेटेड पर्सन हो गया, राइट। अगर ये मेरे पर्सनल कैपेसिटी में है, मार्क माई वर्ड्स, सिंस सर्विसेज हैज बीन रिसीव बाई चकमक विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ सन, राइट, रिलेटेड पर्सन हो गया, फैमिली मेंबर, पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, क्लियर। विदाउट कंसिडरेशन, आई रिपीटेडली आई हैव टोल्ड यू, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, डोंट हैव टू चेक वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, ओनली इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस तभी वो सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। देयर आर टू थिंग्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, तो विद और विदाउट बिजनेस हो सकता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, so it has to be with business. This is 7(1)(b). This is 7(1)(c). अगर ये इंटीरियर सर्विस आर्किटेक्ट सर्विस उसके दिल्ली ऑफिस से एक रेस्पेक्ट में है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। आप लोग नया चीज पढ़ रहे हैं, राइट, इट्स अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। जब मैं भी पहली बार पढ़ा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगा था, तो ऐसा बात नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आएगा, यू रीड इट अगेन एंड अगेन, मेक नोट्स वॉट एवर आई एम गिविंग, एनालाइज द डेफिनेशन, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सप्लाई में कितना सब सेक्शन है, 1, 1A, 2, 3, चार सेक्शन है, सब सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 7 में चार सब सेक्शन। 1 क्या बोलता है, क्लॉज ए, all forms of supply by whatever name called made for a consideration related to business. Clause b bolta hai service import for a consideration whether or not related to business. Clause 3 kya bolta hai, schedule 1, four cases without consideration supply mana jayega, subsection 1 ho gaya. 1a kya bolta hai, schedule 2 स्पेसिफिकली बोल दिया कौन सा सप्लाई है, कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है, नो प्रॉब्लम। शेड्यूल 3 दैट इज सबसेक्शन 2 बोल दिया नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सबसेक्शन 3 गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बोल देता है सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, उसी का हम लोग
डिटेल में बात कर रहे हैं। राइट, नाउ नाउ सेल्स प्रमोशन भी विदाउट कंसिडरेशन होता है, दिस इज ऑल्सो विदाउट कंसिडरेशन। तो साफ बोला है अगर ये उन चार पॉइंट से रिलेटेड है, अगर ये उन चार पॉइंट से रिलेटेड है जहां पे चार केसेस है, वहां पे अगर कुछ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी हो रहा है तो सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो सेल्स प्रमोशन कैसा होता है, बाई वन गेट वन फ्री, बाई टूथपेस्ट गेट टूथब्रश फ्री, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन कंपनीज जो लोग मेडिसिन बनाती है वो लोग मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को हॉस्पिटल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन बांटता है जिससे कि सैंपल टेस्ट हो जाए, राइट। तो बहुत सारा सेल्स प्रमोशन स्कीम्स होता है बेसिकली टू मेक प्रोडक्ट अवेयरनेस, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम सो दैट दैट कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर देयर। तो हम लोग बात कर चुके हैं गुड्स एंड सप्लाई, गुड सर्विसेज, इट हैज टू बी फॉर अ कंसिडरेशन रिलेटेड टू बिजनेस विद टू एक्सेप्शंस। नंबर वन, इंपोर्ट के केस में वेदर आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, एंड शेड्यूल वन विदाउट कंसिडरेशन होगा तो माना जाएगा, राइट। सो दो एक्सेप्शन याद रखना मेन डेफिनेशन का, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। सो क्लॉज ए बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, बट सेल्स प्रमोशन में तो कंसिडरेशन नहीं है। बट क्लॉज सी क्या बोलता है, शेड्यूल वन, शेड्यूल वन क्या बोलता है, राइट, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई, ठीक है। तो यहां पे वही बोला है फ्री सैंपल गिफ्ट्स कुछ भी दो, अगर वो चार केसेस में है तो ठीक है, नहीं तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर वो एक्टिविटी इन फोर केसेस में फॉल करता है, राइट, बाई वन गेट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स सप्लाई जो कि बाद में डिस्कस किया गया है, हम लोग बाद में डिटेल में बात कर लेंगे, राइट। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वन ए दैट इज शेड्यूल टू, स्पेसिफिकली बोल दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट, हमने पहले बता दिया था जैसे सॉफ्टवेयर था, रेस्टोरेंट वाला लोग गुड्स पे सेल्स टैक्स लेता था और सर्विस चार्ज पे सर्विस टैक्स लेता था। तो यहाँ पे वही चीज बोला है, रेस्टोरेंट यूज टू चार्ज बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट ऑन द वैल्यू ऑफ फूड सर्व, दिस इज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन वेयर इन्वॉल्व एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट ऑन द बोथ द स्टैट्यूट्स वेयर ट्रिगर्ड, राइट। ओके, अभी यहाँ पे बोल दिया है
कि रेस्टोरेंट में शेड्यूल टू में क्लियरली मेंशन है, पहले दोनों लगता था, अभी क्या है, अब बिल देखेंगे, पुराना कोई बिल अगर आपके पास में रखा होगा, इसको कॉम्पोजिट सप्लाई बोला जाता है, क्योंकि मैं फूड भी सर्व कर रहा हूँ, सर्विस भी दे रहा हूँ, राइट। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है कि 200 रुपये का दाल मखानी में 160 रुपये दाल मखानी और 40 रुपये सर्विस, ऐसा नहीं है, राइट। सिंस फूड एंड सर्विस इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्दर पैरा 6B ऑफ शेड्यूल टू नीचे टेबल में दिया है, स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट सच कॉम्पोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, हेंस एंटायर वैल्यू ऑफ इनवॉइस शैल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सर्विस एंड लेवाइबल टू GST। तो अभी मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो अर्लियर टैक्स रिजाइम में कॉम्प्लेक्स मैटर था, जो लिटिगेशन वाला मैटर था, उसी के ऊपर में क्लैरिटी इस करेंट लॉ में दिया गया है। अच्छा, रेडीमेड गारमेंट्स में एक स्टिचिंग सर्विस भी आता है, तो रेडीमेड गारमेंट्स आप बोलेंगे सर्विस भी है गुड्स भी है, बट वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल्स, शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स, ओके। अभी यहाँ पे तो टाइटल हो गया, पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ये हो गया, रेंट एग्रीमेंट, तो इसमें सप्लाई और सर्विस आएगा। फाइनेंस लीज सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा, फाइनेंस लीज का एक वन ऑफ द कैरेक्टर है ये, तड़का जो बोलते हैं ना, एसेंशियल कैरेक्टर, कि थोड़ा दिन तक आप उसको यूज करिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। देखो, हायर परचेज बेसिस को ही फाइनेंस लीज बोलते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लैंड का लीज एग्रीमेंट सप्लाई और सर्विस में आएगा, राइट। कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस हो सर्विस में आएगा, पहले प्रोसेस को मैन्युफैक्चर माना जाता था अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम, डाइंग, राइट, एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, किसी और का, दमानी डाइंग हाउस डाइज क्लोज गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल ऑन जॉब वर्क बेसिस, राइट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स सप्लाई ऑफ गुड्स इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो ये सब लिस्ट है। राइट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रेंटिंग होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ये सब स्पेसिफिकली पूरा, ये सब लिटिगेशन वाला मैटर था, तो इनको पूरा क्लैरिफाई कर दिया गया।
कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में सप्लाई और सर्विस माना जाएगा। तो पूरा लिस्ट दिया हुआ है, नॉन कॉम्पीट फीस, सप्लाई ऑफ सर्विस, नोटिस पे बोल के होता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कॉम्पोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसको सप्लाई ऑफ, ऊपर में लिखा था ना रेस्टोरेंट वाला, कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, राइट। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन इंस्टॉल फिटिंग आउट इंप्रूवमेंट मॉडिफिकेशन रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन ऑल्टरेशन कमीशन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ह्यूमन कंजम्पशन रेस्टोरेंट, सीबीआईसी, अपने टेनेंसी राइट सरेंडर करते हैं वो जीएसटी के अंडर में आ जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। ज्वाइंट वेंचर हम लोगों को मालूम है क्या होता है, विद इन अ टाइम फ्रेम दैट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कैश कॉल्स विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी।
अगर हम अपना मशीनरी दे देंगे तो मेरा यूज मान लीजिए, तब ये जीएसटी लग जाएगा इसमें। बहुत सिंपल है, यू कैन रीड दीज आइटम्स। नाउ वील टॉक अबाउट शेड्यूल थ्री, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेस, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेस। इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। यहाँ पे जो भी है नॉन सप्लाईज के बारे में बात होगा, जिस पे जीएसटी नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, जिसमें एम्प्लॉय सर्विस देता है उसके अगेंस्ट उसको सैलरी मिलता है, दैट इज नॉट जीएसटी। हाँ, अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन होगा, जिसको नोटिस पे बोलते हैं। जिनको वेजेस डेली बेसिस पे मिलता है, उस पे भी जीएसटी नहीं है। देखो, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो सैलरी पे जीएसटी नहीं है। नो जीएसटी ऑन सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। नोटिस पे अलग चीज हो गया, ऊपर लिखा था।
नोटिस पे इज समथिंग एल्स, नोटिस पे विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई फॉर लीविंग द जॉब बिफोर अग्रीड पीरियड. मतलब यहां पे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को दे रहा है, लॉक इन होता है ना, तुम 2 साल के पहले नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो तुम हमको 2 लाख रुपए जुर्माना दे के जाएगा भैया, हमने तुमको ट्रेनिंग वगैरह, वो समथिंग दूसरा चीज हो गया. यहाँ पे कंसिडरेशन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, और मैं क्या नीचे बता रहा हूँ, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, राइट, मेरा जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नोटिस पे इज समथिंग एल्स, डोंट कंफ्यूज. यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो जो दे रहा है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कर को डेली बेसिस पे, वो भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है. पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, डेली बेसिस पे मेरे को मजदूरी नहीं मिलता है. नॉन कॉम्पीट फीस ये सब इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा. ठीक है, तो सैलरी पेमेंट जीएसटी नहीं होता है. सर्विसेज बाय अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, राइट, फीस पेड बाय लिटिगेंट्स फॉर रजिस्टरिंग देयर कंप्लेंट्स, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ पंचायत्स, नो जीएसटी. ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं है,
एक्शनेबल क्लेम्स में जीएसटी नहीं है अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। मर्चेंट ट्रेडिंग पे जीएसटी नहीं है। एक जगह से खरीद के एक कंट्री से खरीद के दूसरे कंट्री में इंडिया में आया भी नहीं तो उसको आउट एंड आउट सप्लाई बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। इम्पोर्ट के केस में अगर हम ये तुम लोग कस्टम में पड़ेगा कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रखते हैं वहीं से मैं बेच देता हूँ तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत सारा सेल एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से भी हो जाता है। एंडोर्समेंट ऑफ डॉट तो भी उस पर जीएसटी नहीं है। तो 8 पॉइंट याद रखना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल बुरियल सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एक्शनेबल क्लेम्स आउट मर्चेंट ट्रेडिंग एंड डायरेक्टली इम्पोर्ट हुआ वेयरहाउस से बेच दिया रास्ता में है वेयरहाउस से बेच दिया ये सब चीज़। नॉन सप्लाई इज नोटिफाइड वाया नोटिफिकेशन। तो बोल दिया था बहुत सारा पब्लिक अथॉरिटीज़ के बेसिस पे मतलब बहुत सारा पब्लिक ड्यूटीज़ होता है सोवेरियन फंक्शंस होता है उसमें जीएसटी नहीं है। तो गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई दैट सर्टेन ट्रांजैक्शंस विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज़। म्यूनिसिपैलिटी का कोई भी फंक्शंस होगा अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस का ग्रांट में कोई जीएसटी नहीं है। खाली अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस का बात हो रहा है। बहुत सारा कन्वेंस में इंटर स्टेट मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है। ट्रेन बसेस ट्रक टैंकर्स ट्रेलर्स वेसल्स कंटेनर एयरक्राफ्ट कैरिंग गुड पैसेंजर्स और बोथ फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। इन पे आईजीएसटी नहीं लगेगा।
इन सब चीज का मूवमेंट, कन्वेंस का मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है। क्रेन्स वगैरह का मूवमेंट पे भी जीएसटी नहीं है। तो ये पूरा हम लोग डिस्कस किया। अभी वी विल टॉक अबाउट सप्लाई लेवाइबल टू जीएसटी। सप्लाई टैक्सेबल पर्सन किया हो और टैक्सेबल सप्लाई है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। सप्लाई मस्ट बी मेड बाई टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन के बीच में सप्लाई हुआ है तो जीएसटी वैसे ही नहीं है। हाँ, टैक्सेबल वाला रिसीविंग एंड में नॉन टैक्सेबल होगा चलेगा। सप्लायर के लिए, रिसीवर के लिए नहीं है। रिसीवर कैन बी टैक्सेबल कैन बी नॉन टैक्सेबल। अगर तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया है, तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो तुम टैक्सेबल माने जाओगे। ऐसा बात नहीं है कि तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो तुम टैक्सेबल नहीं माने जाओगे। और अगर तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है और तुम रजिस्ट्रेशन करा चुके हो तो भी तुम टैक्सेबल माने जाओगे। ज़रूरत है तो कराओ, बिना ज़रूरत के कराया तो भी तुम टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। ठीक है। और टैक्सेबल सप्लाई तो हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत सारा चीज़ सप्लाई माना जाता है, बहुत सारा चीज़ सप्लाई नहीं माना जाता है। तो ये हम लोग बात किया अभी तक सेक्शन 7 का। अभी हम लोग सप्लाई में हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट कॉम्पोजिट ऑब्लिक मिक्स्ड सप्लाई, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह का हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।